हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक है? आज हम ड्राइंग में जो मेन चैप्टर है कन्वेंशन, वो हम सीखने वाले हैं और शॉर्ट फॉर्म भी कुछ देखेंगे। कन्वेंशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन यानी जो हम ड्राइंग पर कुछ भी चीज़ दिखाते हैं या कुछ भी वस्तु हम दिखाना पड़ता है ड्राइंग पर, तो जो शॉर्ट में या ड्राइंग निकाल के उसका इजीली हम बता सकते हैं। जैसे हम कौन सी भी बड़ी लाइन होगी या बड़ा सेंटेंस होगा उसका हम शॉर्ट करते हैं, वैसे ही ड्राइंग पर कुछ मटेरियल्स भी रहते हैं, कुछ स्प्रिंग रहते हैं, कुछ समझो गियर्स, पुलीज, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हम ड्राइंग पर वैसे के वैसे ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको समय भी जाता है और दिखने में भी बराबर नहीं दिखता या उसके लिए बहुत कठिनाई होती निकालने के लिए। इसलिए हमें कन्वेंशन दिए। अभी कन्वेंशन भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स, उसने जो हमें स्टैंडर्ड सिंबल या स्टैंडर्ड कन्वेंशन, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म जो दिए है उसके हिसाब से हमें ड्राइंग पर निकालना चाहिए, इसलिए वो पहले सीखना ज़रूरी है। अभी हम इस ड्राइंग में देखेंगे, ये चार ड्राइंग्स हमने दिखाए। चार ड्राइंग्स में क्या क्या दिखाया है? ये जो दो ड्राइंग्स आगे है उसका शॉर्ट फॉर्म दिखा है, यानी एब्रीवेशंस उसको बोलते हैं, एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म। कौन सा भी बड़ा लाइन होगा या कॉम्प्लिकेटेड, हर रोज जो ड्राइंग्स पर हम यूज करते हैं उसमें शॉर्ट में कैसा लिखने का, उसको एब्रीवेशन बोलते हैं। और सिंबल, कभी कभी सिंबल भी देना पड़ता है। तो इस ड्राइंग पर ये जो दो ड्राइंग्स दिखाए उसमें सिंबल्स और शॉर्ट फॉर्म दिखाए, और जो पहला ड्राइंग है उसमें कन्वेंशन मटेरियल का दिखाया है और इसमें ब्रेक्स कैसे देते हैं वो दिखाए। हमें अभी सिंपल सीखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे जो ड्रॉसमैन निकालते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स या मैकेनिकल ड्राइंग्स, तो बड़े कंपनी में जो निकालते हैं उसमें गियर्स, पुलीज या नट बोल्ट, और उसमें बहुत बहुत से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो वो ज़्यादा हमें डीप में जाना नहीं है, सिर्फ हम सिंपल जो ड्राइंग्स में सिंबल या जो कन्वेंशन निकालते हैं वो हम देखेंगे। पहले ड्राइंग में मेटल्स दिखाए, देखो जो मेटल्स उसमें ज़्यादातर स्टील हम यूज़ करते हैं, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, ये सब एलॉयज और एल्यूमिनियम की चीज़ें है, वो ऐसे सिंबल से दिखाई जाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म या कन्वेंशन बोलते हैं उसको। ड्राइंग पर कैसा दिखाया जाता है, स्टील, स्टेनलेस स्टील हो या कौन सा भी कार्बन स्टील, कौन सा भी एल्यूमिनियम, एलॉय, जो एलॉय रहेगा वो 45 डिग्री एंगल्स में रहते हैं, 30 भी रह सकते हैं, 60 डिग्री एंगल्स में भी रह सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी रहेंगे, इस डायरेक्शन में, दोनों एंगल्स में हम दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टील का कन्वेंशन या आयरन का कन्वेंशन। जो लीड रहेगा या जिंक, टिन, वाइट मेटल्स, इसमें डबल क्रॉस दिखाएंगे, 45 डिग्री एंगल का डबल क्रॉस होगा तो उसमें समझेंगे ये मेटल्स क्या ही है। मेटल्स में लीड, जिंक ऐसा दिखाते हैं, इधर दिखाया है। ग्लास में सिर्फ तीन लाइंस भी रहते हैं, बड़ा लाइंस बीच में, दो साइड में छोटा छोटा लाइंस, तो ग्लास इस तरह से दिखाते हैं। पैकिंग मटेरियल्स यानी पोर्सेलिन, स्टोनवेयर, मार्बल, मार्बल का, स्टोनवेयर, पोर्सेलिन का, ऐसा जैसा बारिश गिरता है वैसा, और एंगल 45 में डॉट डैश 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 रहेंगे, तो ये 45 डिग्री में डैश दिखाया, तो पैकिंग मटेरियल हो गया वो, इंसुलेटिंग मटेरियल भी उसको बोलते हैं। अभी लिक्विड में क्या क्या रहता है, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, वो ऐसे दिखाते हैं। एक थोड़ा लेवल दिखाया लाइन, वाटर लेवल या ऑयल का लेवल, बाद में डैश डैश किया, यानी डैशेस दिखाए छोटे छोटे, तो
वाटर हो गया या केरोसिन हो गया, भी वुड वुड या प्लाईवुड कौन सा भी होगा, तो ये तीन प्रकार एक ही साथ में दिखाए। ये देखो ऐसा भी दिखा दिया है, ऐसा भी होगा, या क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वुड में ऐसा दिखा है तो समझ जाने का कि वुड है। अभी कॉन्क्रीट में कैसा ट्रायंगल ट्रायंगल दिखाएंगे और डॉट डॉट करेंगे तो सीमेंट, ये सीमेंट हो गया और ये कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट सीमेंट ऐसा दिखाते हैं ड्राइंग पर। स्टैक लैमिनेशन इस तरह दिखाते हैं। अभी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, तो कन्वेंशन जो ब्रेक का रहेगा तो ऐसा दिखाते हैं, राउंड सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगल ऐसा रहेगा, साइड देखा है, ये साइड में दिखा है, इसका सर्कुलर दिखा है, सर्कुलर का है, सॉलिड है, हॉलो यानी पाइप जैसा, पाइप अंदर से हॉलो है यानी अंदर से ब्रेक किया ये, तो ये ब्रेक करने के बाद साइड से ऐसा दिखेगा सर्कुलर, दो सर्कल दिखाई देते हैं, इस भी इसको ब्रेक किया पाइप तो ऐसा दिखेगा, यानी ड्राइंग पर ऐसा दिखाते हैं। जो वुड रहेगा साइड में वुड दिखाई देते, ये जैसा है वुड वैसा ही है सेम, तो सिंबल दिखाया या कन्वेंशन दिखाया और इस व्यू में उसको ब्रेक करके दिखाया। पाइप ट्यूबिंग ऐसा भी दिखा दे, समझो कट किया तो साइड से ऐसा दिखेगा और कट करने के बाद ऐसा दिख सकता है। अभी रेलवे का जो ट्रैक या लोहे का ट्रैक रहते हैं या फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन वर्क में जो यूज़ करते हैं एंगल, तो आई सेक्शन रहेगा तो ऐसा दिखाते हैं, एल सेक्शन भी रहेगा या टी सेक्शन भी रहेगा, तो इस तरह से सेक्शन दिखाया तो उसको कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशनल ब्रेक हो गया वो। तो हमने सीखा कि कन्वेंशनल मटेरियल में कैसे दिखाते हैं, ब्रेक में कैसे दिखाते हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म तो एक ये जो कॉमन है वो मैंने लिया है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत से शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अभी ड्राइंग पर जो जो यूज़ होते हैं, और हर रोज़ हम ड्राइंग निकालते हैं तब अल्टरनेटिंग का रंग का, एक्रॉस फ्लैट्स, ऑक्सिलरी अप्रूव कैसे, ए डबल पी डी, सिंबल इक्वल टू ऐसा रहता है, मैथ्स में भी यूज करते हैं। कास्ट आयरन का सी आई लिखा, सेंटर टू सेंटर सी बाय सी, सी क्रॉस सी, चेक्ड यानी सी एच डी, हमने हर ड्राइंग में यूज़ किया है वैसा, सी एच डी यानी चेक। अभी सरकमफेरेंस का ये ऐसा सिंबल है, बाद में काउंटर बोर, कंटिन्यूड का ऐसा आपने देखा होगा हर पेज पर किधर तो इधर कंटिन्यू किया होता है, कॉन्स्टेंट का, सिलिंड्रिकल का ऐसा, काउंटर संक डिग्री का ऐसा, डायमेंशन डी आई एम लिखेंगे तो डायमेंशन हो गया। अभी डायमेंशन और कन्वेंशन इसमें स्पेलिंग में क्या फर्क है, देखो कन्वेंशन में टी यूज होता है, डायमेंशन में एस यूज होता है। ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म है, देखो ड्राइंग कभी भी निकालते समय शॉर्ट ऐसा लिखेंगे, आवर्स में ये, हेक्सागन में एच ई एक्स, आई एस इंडियन स्टैंडर्ड का आई एस, बाद में किलोवाट आवर, के शॉर्ट है, डब्ल्यू बड़ा है, एच वहाँ पर शॉर्ट है। एल एच लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड हो गया, मशीन का ऐसा सिंबल है। मैन्युफैक्चरिंग एफ एफ जी, मैक्सिमम का डॉट देंगे आगे, एक में एक शॉर्ट में लिखेंगे और डॉट। मीटर का देखो, मीटर का स्मॉल एम लिखा तो मीटर हो गया, मीटर पर सेकंड। मैकेनिकल का एम ई सी एच कैपिटल में लिखेंगे। माइक्रोमीटर का ये देखो सिंबल कैसे है, एमएम, मिलीमीटर का मेन है हमको, बाद में हमें एमएम मिलीमीटर लिखना होता है, तब मिलीमीटर का स्मॉल एमएम लिखेंगे, कैपिटल नहीं होगा, ये मेन चीज़ है, क्योंकि हम कैपिटल तो सब कैपिटल में लिखते हैं, एमएम शॉर्ट में लिखे लिखना चाहिए, क्योंकि मिलीमीटर शॉर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म आई स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है। मिलीवाट, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, मिनिमम का डॉट रहेगा। अभी इसमें फ़र्क क्या, देखो मिनट का, मिनट का टाइम जो रहेगा तो एम आई एन लिखते हैं, और मिनिमम में आगे डॉट देना चाहिए, दोनों का सेम ही है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इसमें फ़र्क देखो। मिसलिनियस, नॉमिनल, एन टी एस का देखो नॉट टू स्केल, इधर कमी कम स्केल में लिखना पड़ता है, जब स्केल नहीं होगा सिर्फ हम ऐसे ही ड्राइंग निकालेंगे विदाउट स्केल डायमेंशन ना देखे, तो एन टी एस बोलते हैं नॉट टू स्केल। नंबर का देखो एन ओ ओ शॉर्ट स्मॉल है, एन कैपिटल और आगे डॉट दिया है। ओम का ऐसा सिंबल है ये, बाकी ये हमने पिच सर्कल डायमीटर पी सी डी कैपिटल, परपेंडिकुलर और पैरेलल में कैसा सिंबल है, देखो ये सिंबल है
शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल है उसका, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, सिंबल होता है। राइट एंगल आर एच, स्पेरिकल का कैपिटल स्पीयर, एमएम स्क्वायर यानी मिलीमीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का कैपिटल टी एम पी, वॉल्यूम वेट डब्ल्यू टी स्मॉल में देना चाहिए। इस तरह से हमने जो मेन सिंबल्स है, शॉर्ट फॉर्म है, कन्वेंशन है, वो हमने सीखे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका। तो ये जो मेन ड्राइंग के जो बेसिक है वो हमने सीखे, कॉम्प्लिकेटेड हमको देखना नहीं है। इसलिए आज के लिए हम इतना ही सीख लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा यूज आपको मिलेंगे जब मैं अपलोड करूँगा तब। ओके, थैंक्स।